गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट और हमने नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में मतलब इक्विटी शेयर में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 नवंबर 2003 के एग्जाम में आ चुका है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1 अप्रैल 2002 मिस्टर कृष्णा मूर्ति परचेज्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इन टेलको लिमिटेड। 1000 शेयर ₹100 का टेलको लिमिटेड में परचेज किए एट द रेट ₹120 ईच फ्रॉम ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। 1000 शेयर खरीदे, फेस वैल्यू शेयर की ₹100, हमने उसको ₹120 में परचेज किया, 2% ब्रोकरेज लगी। ही इनकम 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। इसके अलावा ब्रोकरेज के अलावा एक और खर्चा लगा, स्टैम्प का खर्चा, और वो कितना, ₹100 पर 50 पैसे। ₹100 का ₹1 होता है 1%, 50 पैसे होता है 0.5%, तो ₹100 का 50 पैसे मतलब 0.5% खर्चा किसका लगा, स्टैम्प का। तो 0.5% स्टैम्प, 2% ब्रोकरेज, टोटल 2.5% का एक्सपेंडिचर लगा। ऑन 31 मार्च 2003 बराबर एक साल बाद बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2, तो 1000 शेयर खरीदे तो हमें 500 शेयर बोनस के मिले। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर्स वर क्योटेड एट ₹175 पर शेयर एंड ₹90 पर शेयर रेस्पेक्टिवली। बोनस से पहले जो शेयर की प्राइस थी वो 175 थी और बोनस के बाद शेयर की प्राइस हो गई ₹90 पर शेयर। कब बोनस दिया, 31 मार्च 2003, ईयर एंड होने पर। ऑन 31 मार्च 2003 उसी दिन मिस्टर कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। उसने जो बोनस शेयर मिले थे, बोनस शेयर कितने मिले, 500 शेयर, उन 500 शेयर को बेच दिया, 2% ब्रोकरेज लगी। और क्या रेट पर बेचा, बोनस के बाद रेट क्या थी, बोनस के बाद शेयर की रेट ₹90 थी, तो ये इम्प्लाइड है कि हमने वो जो 500 शेयर बेचे वो ₹90 की रेट पर बेचे। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णा मूर्ति हु हेल्ड द शेयर्स एज करंट एसेट एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड का तो कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, तो चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर ऑफ टेलको लिमिटेड, इक्विटी शेयर ऑफ टेलको लिमिटेड इक्विटी शेयर ऑफ टेलको लिमिटेड डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब यहां पर मैं डिविडेंड का कॉलम इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि डिविडेंड के बारे में कोई भी पॉइंट है नहीं, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले परचेज किया हमने 1 अप्रैल 2002 को टू बैंक, ओपनिंग में कुछ भी हमारे पास शेयर्स नहीं थे, हमने 1 अप्रैल को परचेज किए, 1000 शेयर परचेज किए और ये हमने ₹120 की रेट पर परचेज किए, तो 1000 शेयर इंटू 120, 1,20,000 प्लस 2.5% एक्सपेंसेस, तो 1,20,000 प्लस 2.5% इट इज 1,23,000, 2.5 आपको समझ में आ गया, 2% तो ब्रोकरेज और 0.5% स्टैम्प का एक्सपेंसेस, 50 पैसे ₹100 पर, तो ₹100 पर 50 पैसे होता है 0.5%, तो 123, ठीक है। इसका वर्किंग नोट भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 परचेज डिटेल, एक बार ही परचेज किया और एक बार ही सेल किया ना, परचेज डिटेल, परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू हमने
1000 शेयर्स परचेज किए 120 रुपीज की रेट पर, इट इज 1,20,000 प्लस एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस लगे? 1,20,000 का 2.5%, 3,000, एंड टोटल परचेज कॉस्ट इज 123। ओके, फिर सीधा 31st मार्च, 31st मार्च को कंपनी ने बोनस दिया, कंपनी ने बोनस दिया, लिखेंगे 2 बोनस शेयर। मगर क्या बोनस शेयर की मैंने आपको बताया एंट्री होती है? नहीं होती, तो अमाउंट में कुछ नहीं आएगा। तो फिर लिखा क्यों यहाँ पर? ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इंक्रीज हो गए। कितने बोनस में मिले? 500 शेयर। तो बोनस शेयर का अमाउंट हमने कुछ नहीं दिया, बट हमने यहाँ लिखा 2 बोनस शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 500 आ गए। तो 1,000 और 500, हमारे पास टोटल 1,500 शेयर हो गए। ठीक है, अब 31st मार्च को हमने जो बोनस शेयर मिले थे वो बेच दिए। तो बोनस शेयर बेचने का मतलब है कि हमने 500 शेयर बेच दिए बाय बैंक। हमने कितने में बेचे? बोनस के बाद मार्केट में रेट क्या हो गई? 90 रुपीज। तो 90 में बेचा होगा, और 2% क्या लग गई? ब्रोकरेज। तो वर्किंग नोट नंबर 2, सेल डिटेल, सेल डिटेल, सेल वैल्यू, हमने 500 शेयर्स 90 रुपीज़ की रेट पर सेल किए, मतलब 45,000 रुपये, और उस पर लग गया हमारा एक्सपेंसेस जो लेस करेंगे 45,000 का 2%, 45,000 का 2% होता है 900 रुपीज़। तो हमें नेट कितना है? 44,100। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ लिख देते हैं 44,100 और ब्रैकेट में लिख देते हैं 500 शेयर। ओके, अब 44,100 में हमने सेल की, अब इस पर हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट है या लॉस है। तो कितने में सेल की? सेल वैल्यू, हमने 44,100 में सेल किए 500 शेयर, 500 शेयर्स हमने 44,100। अब इनकी कॉस्ट क्या है? तो मैंने आपको कहा कि इसमें वेटेड एवरेज मेथड काम आता है। कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी कॉस्ट। 1000 शेयर हमने परचेज किए थे, उसकी कॉस्ट 1,23,000। फिर हमें 500 शेयर बोनस के मिले, उसके कुछ भी रुपए नहीं लगे। तो हमारे पास टोटल 1,500 शेयर जिनकी कॉस्ट हो गई 123, और हमने इसमें से 500 शेयर बेच दिए। तो कॉस्ट ऑफ 500 शेयर्स इक्वल्स टू 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1,500 मल्टीप्लाई बाय 500, 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1,500 मल्टीप्लाई बाय 500, 41,000, 41,000 कॉस्ट, और हमने बेचे 44,100 में, तो हमें 3,100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 3,100 का प्रॉफिट। ये 3,100 का प्रॉफिट हम लिखेंगे 31st मार्च 2002 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज 3,100। अब हमें क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी, वर्किंग नोट नंबर 3, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। टोटल 1,500 शेयर थे, उसमें से हमने 1,000 शेयर बेच दिए, 500 शेयर बेच दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 1,000 शेयर की क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो पहले तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू 1,000 शेयर, और मार्केट वैल्यू 31st मार्च 2003 को क्या थी? 31st मार्च 2003 है ये, ठीक है, 31st मार्च 2003 का प्रॉफिट है, 31st मार्च 2003 का ही, और ये जो बोनस मिला ये भी 31st मार्च 2003 है, राइट। तो 31st मार्च 2003 को ही बोनस मिला था, और बोनस के बाद रेट क्या हो गई? 90 रुपीज। इसका मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 90 रुपीज पर शेयर, राइट। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 90
इट इज 90,000 मार्केट वैल्यू। नाउ कॉस्ट, और मैंने आपको बताया था कॉस्ट निकालने का तरीका क्या, बैलेंस। आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कर लो, 1,23,000 प्लस 3,100 माइनस 44,100, इट इज 82,000। 82,000 इज कॉस्ट। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, नो एडजस्टमेंट। अगर मार्केट वैल्यू कम होती तो लॉस को हमें अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना होता। तो 82,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2003 बाई बैलेंस कैरीड डाउन 1,000 शेयर और उसकी कॉस्ट 82,000। ओके, और ये बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट 126,100। करेक्ट, एक ही कॉलम बनाया क्योंकि डिविडेंड था नहीं इस कारण से। नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा है, इसमें वो बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड सारे पॉइंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो मई 2017 के एग्जाम में आ चुका है। आकाश लिमिटेड हैड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट बुक वैल्यू 15 रुपीज पर शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर। 4,000 शेयर हैं उसके पास ऑलरेडी 1 अप्रैल 2016 को, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, और उसको उसने 15 रुपीज की रेट पर परचेज किया हुआ था। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, उसने 15 रुपये की रेट पर खरीदा हुआ था। तो 4,000 × 15 उसकी कॉस्ट हो गई 60,000। ऑन 1 सितंबर 2016 आकाश लिमिटेड एक्वायर्ड 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। 1 सितंबर 2016 को उसने और 1,000 शेयर खरीदे 4 रुपये प्रीमियम पर, मतलब 14 रुपीज पर उसने 1,000 शेयर और खरीदे। कब? 1 सितंबर 2016। एक्स लिमिटेड अनाउंस ए बोनस एंड राइट इश्यू फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। द टर्म्स ऑफ बोनस एंड राइट वर, बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को कंपनी ने बोनस इशू किया 2 शेयर फॉर एवरी 5, मतलब 2:5 के रेशियो में कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए। 30 सितंबर 2016 को बोनस शेयर दिए। राइट शेयर आर टू बी इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 दिसंबर 2016, मतलब बोनस के बाद राइट इशू 1 दिसंबर 2016। द कंपनी इशूड 2 राइट शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स एट 25% प्रीमियम। राइट शेयर जो दिए गए वो 2:7 के रेशियो में और 25% प्रीमियम पर। 10 रुपये का शेयर 25% प्रीमियम, मतलब 12.5 रुपये पर कंपनी ने राइट शेयर इशू किया। नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज शेयर, इन शेयर्स पर डिविडेंड पेबल नहीं होगा। द होल सम बींग पेबल बाई 31 दिसंबर 2016, और उसका पैसा 31 दिसंबर 2016 तक देना है। आकाश लिमिटेड एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% ऑफ इट्स एंटाइटलमेंट एंड सोल्ड द रिमेनिंग राइट फॉर ₹8 पर शेयर। 50% ऑप्शन को उसने एक्सरसाइज किया, मतलब जितने शेयर का राइट मिला था 50% उसने खरीद लिए और 50% राइट उसने बेच दिया ₹8 पर शेयर में। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एट द रेट ऑफ 20%। 31 मार्च 2016 लास्ट ईयर जो कंप्लीट हो गया उसका डिविडेंड कंपनी ने 20% की रेट से डिक्लेयर किया और आकाश लिमिटेड को मिला 20 जनवरी। कंपनी एंड रिसीव्ड बाय आकाश लिमिटेड ऑन 20 जनवरी 2017। 20 जनवरी 2017 को आकाश लिमिटेड को पिछले साल का डिविडेंड मिला। ऑन 1 फरवरी 2017 आकाश लिमिटेड सोल्ड हाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग एट ए प्रीमियम ₹4 पर शेयर। उसने आधे शेयर, जितने उसके पास शेयर थे उसके आधे बेच दिए ₹4 प्रीमियम पर, मतलब ₹14 की रेट पर सेल कर दिए। मार्केट प्राइस 31 मार्च को ₹13 पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ आकाश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट एज्यूमिंग द इन्वेस्टमेंट एज करंट इन्वेस्टमेंट। बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड
डेट, पर्टिकुलर, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, डेट, पर्टिकुलर्स, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके पास ओपनिंग में शेयर्स पड़े थे 4,015 रुपीज पर शेयर की रेट पर, 4,000 शेयर उसके पास है, ये हो गए 60,000 के। ओके, उसके बाद में 1 सितंबर को डेट वाइज चलना है, तो 1 सितंबर डेट उसने 1,000 शेयर और खरीदे। 1 सितंबर 2016 टू बैंक उसने 1,000 शेयर और खरीदे और ये परचेज किए उसने 4 रुपीज़ प्रीमियम पर, मतलब 14 रुपीज़ पर, तो 1,000 × 14 इट इज़ 14,000। उसके बाद में कंपनी ने बोनस दिया 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर 2016 टू बोनस शेयर, बोनस शेयर की कोई एंट्री नहीं होगी, केवल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। बोनस कितना दिया? बोनस दिया 2:5 के रेशियो में, 2:5। तो बोनस से पहले उसके पास कितने शेयर्स थे? 4,000 ओपनिंग में, 1,000 और खरीद लिए, 5,000 हो गए। 5,000 पर 2:5 का मतलब होता है 2,000 शेयर बोनस मिले। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर इक्वल्स टू, बोनस से पहले उसके पास 5,000 शेयर थे और कंपनी ने 2:5 के रेशियो में बोनस इशू किया, इसका मतलब उसको 2,000 शेयर बोनस के मिले। तो यहाँ बोनस शेयर में केवल नंबर्स लिखेंगे 2,000 और अमाउंट में कोई अमाउंट इसमें एंटर नहीं होगा क्योंकि फ्री में शेयर मिलते हैं। ठीक है, 30 सितंबर के बाद में बात आती है राइट शेयर की। वर्किंग नोट नंबर 2, राइट शेयर, राइट शेयर कितने शेयर खरीदने का राइट है उसको? नंबर ऑफ राइट शेयर एंटाइटलमेंट, उसको कितने शेयर खरीदने का राइट मिला है? 1:7, यहां पर दे रखा है 2:7, 2 राइट शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स एट 25% प्रीमियम, 2:7। तो राइट से पहले उसके पास कितने शेयर थे? 4,000 उसने परचेज किए थे, 1,000 और ओपनिंग में 4,000, फिर 1,000 परचेज किए, 5,000, 2,000 बोनस मिल गए, तो टोटल 7,000 शेयर थे। तो 7,000 × 2/7 इसका मतलब 2,000 शेयर खरीदने का उसको राइट मिला है। उसने 50% राइट शेयर परचेज किए, मतलब उसको जितना एंटाइटलमेंट था उसका 50%, तो 2,000 का 50% 1,000, उसने 1,000 शेयर्स परचेज किए और उसका अमाउंट देना है 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर 2016 टू बैंक उसने 1,000 राइट शेयर परचेज किए, 1,000 राइट शेयर मल्टीप्लाई बाय 12.5, 25% प्रीमियम पर, तो 10 रुपये का शेयर 25% प्रीमियम होता है 2.5, तो उसने 12 रुपये 50 पैसे में शेयर खरीदा, तो अमाउंट लगे 12,500। और बाकी का जो राइट था 1,000 शेयर का जो राइट है उसने बेच दिया, तो 1,000 शेयर का राइट जो उसने बेचा वो उसने बेचा 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ये जो 8 रुपीज़ पर शेयर इंटू 1,000, 8,000 रुपये, ये कहाँ चले जाएंगे? P&L अकाउंट में चले जाएंगे, इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है डिविडेंड की। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया पिछले साल का, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने लायक है, ध्यान से समझना। कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया और कब डिक्लेयर किया? 20 जनवरी 2017 को, इस साल, पिछले साल का डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड बोनस पे नहीं मिलेगा क्योंकि बोनस शेयर कंपनी ने इस साल दिए, तो पिछले साल तो ये शेयर थे ही नहीं, तो डिविडेंड बोनस शेयर पे नहीं मिलेगा और डिविडेंड राइट शेयर पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि राइट शेयर भी कंपनी ने इस साल इशू किए। तो डिविडेंड किस पे मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा जो शेयर कंपनी के पिछले साल थे, राइट? तो बोनस शेयर कंपनी ने इस साल इशू किए इसलिए उस पर कोई तरह का डिविडेंड नहीं मिलेगा, और राइट शेयर कंपनी ने इस साल इशू किए इसलिए वो भी, उस पर भी हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा जो शेयर्स कंपनी के पिछले साल तक थे। ये जो 4,000 शेयर है हमारे पास, ये कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए हुए थे और ये शेयर हमारे पास थे पिछले साल। ये जो 1,000 शेयर हमने खरीदे
हमने खरीदे 1 सितंबर 2016, किससे खरीदे? कोई पब्लिक में और कोई इन्वेस्टर था उससे हमने खरीदे, किसी और इन्वेस्टर से हमने खरीदे। ये जो 1000 शेयर है ये कंपनी से हमने नहीं खरीदे, मतलब ये 1000 शेयर कंपनी ने इस साल इशू नहीं किए, हमने इस साल परचेज किए, राइट। तो इस 1000 शेयर पर कंपनी हमें डिविडेंड देगी। ये 1000 शेयर किसी और इन्वेस्टर के पास थे जो हमने परचेज कर लिए, तो हमने परचेज कर लिए तो कंपनी के तो ऑलरेडी इशू थे, तो कंपनी हमें जो डिविडेंड देगी वो 4000 और 1000 5000 शेयर पर डिविडेंड देगी। मगर ये जो 4000 शेयर पर जो डिविडेंड मिलेगा पिछले साल का, पिछले साल हमारे पास ये शेयर थे इसीलिए उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो तो डिविडेंड इनकम में ही जाएगा, मगर जो 1000 शेयर है जिस पर हमें डिविडेंड मिलेगा, मगर ये शेयर हमारे पास पिछले साल नहीं थे, मगर वो डिविडेंड हमें मिलेगा क्योंकि जिस समय कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस समय वो शेयर हमारे पास थे, और वो डिविडेंड क्या हो जाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो 4000 शेयर पर डिविडेंड मिलेगा वो तो नॉर्मल डिविडेंड हो गया, और ये जो 1000 शेयर पर डिविडेंड मिलेगा वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। जो नॉर्मल जो 4000 शेयर का डिविडेंड है वो तो डिविडेंड अकाउंट में लिखेंगे, मगर जो 1000 शेयर पर डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और उसको हमें कहाँ लिखना है? उसको हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखना है। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम कहाँ क्रेडिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और जो नॉर्मल डिविडेंड है 4000 पर वो तो डिविडेंड अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड के बारे में, वर्किंग नोट नंबर 3 डिविडेंड। टोटल डिविडेंड कितना मिला? टोटल डिविडेंड हमें कितना मिलेगा? टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 5000 शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। बोनस शेयर पर डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने बोनस शेयर इसी साल इशू किए, तो पिछले साल जब ये शेयर थे ही नहीं तो उस पर डिविडेंड कैसे होगा? और क्योंकि डिविडेंड पिछले साल का है, राइट, और राइट शेयर कंपनी ने भी इसी साल इशू किए तो उस पर भी पिछले साल का डिविडेंड हो नहीं सकता क्योंकि वो शेयर भी पिछले साल थे ही नहीं। 5000 शेयर पर डिविडेंड मिलेगा, 4000 तो हमारे पास थे, 1000 किसी और के पास थे जो हमने खरीद लिए, तो कंपनी तो हमें उस पर भी डिविडेंड देगी। तो 5000 शेयर पर डिविडेंड, 1 शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये का, तो 50,000, और डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो 20% की रेट से दे रही है, मल्टीप्लाई बाय 20% इक्वल्स टू 5000 शेयर फेस वैल्यू 50,000 का 20% होता है 10,000। ये जो 10,000 का डिविडेंड है हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, डिविडेंड और एक हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो 4000 शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है वो तो हमारी डिविडेंड इनकम ही है क्योंकि उस समय जिस साल का वो डिविडेंड है उस समय वो शेयर हमारे पास ही थे, ओपनिंग में थे, तो मतलब पिछले साल तो थे। तो 4000 शेयर 10 रुपये का, इस पर 20% जो डिविडेंड मिल रहा है 8000 रुपये, वो तो डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। और 1000 शेयर जो हमने इस साल परचेज किए मगर उस पर भी हमें डिविडेंड मिलेगा क्योंकि वो शेयर किसी और इन्वेस्टर के पास थे, हमने परचेज कर लिए, इस साल परचेज कर लिए तो डिविडेंड हमें मिलेगा क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले हम वो शेयर उससे खरीद चुके थे, तो डिविडेंड हमारा है। मगर वो डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड नहीं होगा, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। और ये 2000 रुपये का डिविडेंड कहाँ लिखेंगे? मतलब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री अगर मैं लिखूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिविडेंड 8,000 और टू इन्वेस्टमेंट 2,000, ये इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस डेट को मिला डिविडेंड? 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी 2017 बाय बैंक, इसमें 8,000 तो हम लिखेंगे डिविडेंड अकाउंट में और 2,000 हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। वो जो हमने शेयर खरीदे थे ना 1000, हमने जो 1000 शेयर खरीदे थे 14,000 रुपये में, तो इस 14,000 की कॉस्ट 2000 रुपये से डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये 1000 शेयर की जो कॉस्ट है वो हो गई 12,000, क्योंकि उस पर हमें वो डिविडेंड मिला जो डिविडेंड हमारा नहीं होता है बेसिकली, वो जिसके पास था उसका होता है। पिछले साल हमारे पास वो 1000 शेयर नहीं थे मगर हमें उस साल का भी डिविडेंड मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि 14,000 में हमने वो शेयर खरीदे थे और उस पर्सन का 2000 का डिविडेंड हमें मिल गया, तो हमारे लिए उस 1000 शेयर की कॉस्ट जो होगी
वो 12,000 रुपीज होगी, राइट, इट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब हमने क्या किया, अब हमने 20 जनवरी 2017 को कुछ शेयर्स बेच दिए बाई बैंक। कितने शेयर्स बेचे हमने, हमारे पास जितने शेयर थे उसके आधे शेयर, तो पहले तो ये पता करें हमारे पास शेयर्स कितने थे, 4,000 ओपनिंग में, 1,000 हमने और खरीदे 5,000, 2,000 बोनस के आगे 7, और 1,000 हमने राइट शेयर खरीदे 8। 8,000 में से आधे बेच दिए, मतलब 4,000 शेयर हमने बेच दिए, और ये हमने बेचे 4 रुपये प्रीमियम पर, मतलब 14 रुपीज़ पर। 4,000 × 14 हमने बेचे 56,000 पर। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पे प्रॉफिट या इस पे लॉस। वर्किंग नोट नंबर फोर, ये एंट्री आपको नहीं लिखनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताई। वर्किंग नोट नंबर फोर, सेल डिटेल, सेल्स वैल्यू 4,000 × 14 56,000 में बेचे। अब उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, ये कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी कॉस्ट, हमारे पास 4,000 शेयर, फिर 1,000 शेयर, फिर 2,000 शेयर और फिर 1,000 शेयर। जो 4,000 ओपनिंग में शेयर हैं उसकी तो कॉस्ट है 60,000 रुपीज़, उसकी कॉस्ट है 60,000। जो 1,000 शेयर है वो हमने खरीदे 14,000 में और उस पर हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया 2,000, तो इसकी कॉस्ट हो गई 12,000। फिर जो बोनस शेयर मिले इसकी कोई कॉस्ट नहीं, ये तो ओपनिंग में थे, ये हमने जो परचेज किए, ये हमारे पास जो बोनस शेयर आए और ये हमने जो राइट शेयर परचेज किए, 1,000 राइट शेयर परचेज किए और 1,000 राइट शेयर हमने परचेज किए 12,500 रुपये में, 12,500। तो हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए, हमारे पास टोटल शेयर्स हो गए 8,000, और 8,000 की कॉस्ट कितनी, 60,000 प्लस 12,000 प्लस 12,500, इट इज 84,500। इसमें से हमने आधे बेचे, तो कॉस्ट ऑफ 4,000 शेयर्स की वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी होती है, 84,500 डिवाइडेड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इक्वल्स टू 42,250 कॉस्ट होती है, और हमने कितने में बेचे, 56,000 में, तो हमें हो गया उस पर प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया, 42,250, और 56,000 सेल्स वैल्यू है, तो हमें इस पर प्रॉफिट हो गया 13,750, 13,750 का प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड की तरफ, 20 जनवरी 2017, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज 13,750। सारे पॉइंट हो गए, अब बैलेंस की बात आती है। तो पहले क्या करते हैं, डिविडेंड को 31 मार्च 2017 डिविडेंड को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, टू P&L। डिविडेंड इधर क्रेडिट साइड की तरफ 8,000, डेबिट साइड की तरफ कुछ अमाउंट है नहीं, तो 8,000 जो डिविडेंड है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं बैलेंस की, बैलेंस कैसे, वर्किंग नोट नंबर फिफ्थ, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने शेयर्स हमारे पास बचे, हमारे पास बच गए 8,000 में से 4,000 हमने सेल कर दिए थे, तो 4,000 शेयर हमारे पास बच गए। सबसे पहले तो देखते हैं इन 4,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू 4,000 × एक शेयर की मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च इट इज 13 रुपीज़ इक्वल्स टू 52,000। फिर हम देखते हैं कॉस्ट, और कॉस्ट के लिए मैंने आपको कहा था बैलेंस निकाल लो, बैलेंस निकालते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं, 60,000 प्लस 14,000 प्लस 12,500 प्लस 13,750 माइनस 2,000 माइनस 56,000, तो ये आता है 42,250। यहाँ पर कॉस्ट कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, नो एडजस्टमेंट। मार्केट वैल्यू कम होती है तो एडजस्टमेंट करना होता है, अदरवाइज कॉस्ट कम है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। और यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च 2017 बाई बैलेंस
कैरी इट डाउन, 4,000 शेयर और उसकी वैल्यू हो गई 4,2250। 4,2250 प्लस 56,000 प्लस 2,000, इट इज 1,00,250, 1,00,250 और इधर 8,000, और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें बोनस शेयर भी था, राइट शेयर भी था, परचेज भी था, सेल भी था, डिविडेंड का भी पॉइंट था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का भी पॉइंट था, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू को कंपेयर करने का पॉइंट भी था। बहुत सारे पॉइंट इस क्वेश्चन में कवर हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। 9th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, अटेम्प्ट नहीं लिखा है बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर विजय एंटर्ड इन टू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेपी पावर लिमिटेड। द शेयर्स हैव बीन पेड अप वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू वो ₹10 है, जेपी पावर लिमिटेड के शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है। 1 जनवरी को उसके पास 600 शेयर हैं, 600 शेयर उसने बाई किए। अच्छा, 1 जनवरी को 600 शेयर उसने परचेज किए ₹20 की रेट पर, 15 मार्च को उसने 900 शेयर परचेज किए ₹25 की रेट पर, 20 मई को 20 मई को उसने 1,000 शेयर परचेज किए ₹23 की रेट पर, 25 जुलाई को उसने 2,500 शेयर, उसको बोनस शेयर मिले, 3 बार खरीदे फिर बोनस मिला, 20 दिसंबर को उसने 1,500 शेयर बेच दिए ₹22 की रेट पर, और 1 फरवरी को उसने 1,000 शेयर बेच दिए ₹24 की रेट पर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 15 सितंबर 2016 को डिविडेंड एट द रेट ₹3 पर शेयर वा रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, पिछले साल का डिविडेंड मिला 15 सितंबर 2016 को ₹3 पर शेयर की रेट पर। 12 नवंबर को कंपनी ने राइट शेयर इशू किया इन द रेशियो 1 शेयर फॉर 5 शेयर्स हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ ₹20 पर शेयर। ही सब्सक्राइब्ड टू 60% ऑफ द शेयर एंड रिनाउंस्ड द रिमेनिंग। रिनाउंस का मतलब अपना राइट बेच दिया किसी को ऑन रिसीप्ट ऑफ प्रीमियम ₹3 पर शेयर। उसने ₹3 पर शेयर के प्रीमियम पर अपना राइट किसी को बेच दिया, 40% राइट बेच दिया और 60% उसने शेयर खरीद लिए। शेयर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017, 2 साल के लिए। देखो यहाँ तक तो ये 2016 है, 31 मार्च 2016 ईयर एंड है, और फिर ये 2017 के ट्रांजेक्शन है, तो ये मतलब 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में डिविडेंड का पॉइंट नहीं है, राइट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शेयर्स ऑफ इक्विटी, शेयर्स ऑफ जेपी पावर लिमिटेड, जेपी पावर लिमिटेड। यहां लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को उसने शेयर्स खरीदे टू बैंक, कितने शेयर्स खरीदे, 600 शेयर खरीदे ₹20 की रेट पर, मतलब ये हो गए 12,000। फिर 15 मार्च 2016 को उसने और शेयर खरीदे टू बैंक, कितने शेयर्स खरीदे, 900 शेयर खरीदे 25 की रेट पर, 900 × 25 22,500। अच्छा, यहाँ पर मार्केट प्राइस और कॉस्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं है, और ये हो गई 31 मार्च 2016 को बाई बैलेंस कैरी डाउन। टोटल शेयर्स कितने हो गए, 1,500 शेयर हो गए, और वैल्यू कितनी हो गई, 34,500 वैल्यू हो गई, और नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1,500, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 साल का तो बन गया। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर्स ऑफ जेपी पावर लिमिटेड, पावर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2017। अब इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहां पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो लास्ट ईयर क्लोजिंग था वो इस बार के लिए ओपनिंग हो जाएगा 1500 शेयर 34500। अच्छा, डिविडेंड का पॉइंट है यहाँ पे, डिविडेंड का पॉइंट है 15 सितंबर 2016। तो यहाँ पर डिविडेंड का कॉलम भी हमें बनाना पड़ेगा। अमाउंट में दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का और एक डिविडेंड का। लास्ट ईयर नहीं था, चलो ठीक है, मगर इस बार तो है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कॉलम और डिविडेंड का कॉलम, इन्वेस्टमेंट का कॉलम और डिविडेंड का कॉलम, इन डिविडेंड का पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो ये हमने परचेज किए थे 34500 में, ओके। अब सबसे पहले डेट आती है 20th में, हमने 1000 शेयर और खरीदे 23 रुपीज़ की रेट पर 20 मई 2016 को हमने और शेयर खरीदे टू बैंक। कितने शेयर खरीदे हमने? 1000 शेयर खरीदे 23 रुपीज़ की रेट पर, तो ये हो गए 23,000। अच्छा, कोई भी ब्रोकरेज या कोई एक्सपेंडिचर परचेज सेल में कहीं भी नहीं दे रखा, ठीक है। 20 मई के बाद में डेट आती है 25 जुलाई, जिसमें हमें बोनस शेयर मिले 2500। तो 20 जुलाई 2016 टू बोनस शेयर, बोनस शेयर से केवल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे। कितने बोनस शेयर मिले? 2500 बोनस शेयर मिले, मगर उसकी कॉस्ट जीरो, फ्री में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 जुलाई बोनस शेयर की एंट्री। इसके बाद 20 दिसंबर, मगर उससे पहले 15 सितंबर को पर शेयर 3 रुपये का डिविडेंड मिला, पिछले साल का डिविडेंड। तो पिछले साल का डिविडेंड जो, ये जो 1500 डिविडेंड से पहले हमारे पास ये 1500 शेयर जो पिछले साल ही हमने खरीदे थे, और ये 1000 शेयर हमने इस साल खरीदे, मगर डिविडेंड तो इस पर भी मिलेगा। हाँ, बोनस शेयर तो कंपनी ने इस साल इशू किए, इसलिए उस पर डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो, ये जो 1500 शेयर हमने ऑलरेडी पिछले साल खरीदे हुए थे, इसका जो डिविडेंड है वो तो डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, मगर जो शेयर हमने इस बार खरीदे बॉन डिविडेंड देने से पहले खरीद लिए, उसका डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कब मिला डिविडेंड, 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर 2016 हम लिखेंगे बाई बैंक। ये जो 1500 शेयर हमारे पास पहले से थे, पिछले साल खरीदे हुए थे, इसका डिविडेंड कितना होता है? 1500 × 3, 4500। वो तो जाएगा डिविडेंड अकाउंट में। और जो शेयर हमने खरीदे इस बार है, किसी और के पास थे, किसी और इन्वेस्टर के पास थे, हमने खरीदे, डिविडेंड हमें मिल गया, जबकि वो पिछले साल का है। तो 1000 × 3, 3000 रुपये प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, राइट। चलिए, 15 सितंबर के बाद डेट आती है 20 दिसंबर, मगर उससे पहले डेट आती है 12 नवंबर राइट शेयर इशू की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 नवंबर। मैं वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारे वर्किंग नोट बना दिए कि किस तरीके से वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक, हमने राइट शेयर परचेज किए। अब राइट शेयर कितना? राइट शेयर का जो रेशियो है वो है 1:5 शेयर, 1:5। तो राइट शेयर से जस्ट पहले हमारे पास शेयर्स थे कितने? 1500 जो हमने लास्ट ईयर खरीद लिए थे, 1000 जो हमने इस बार खरीदे 2500, और 2500 हमें बोनस शेयर भी मिल चुके 5000। 1:5 के रेशियो में, तो 5000 पे 1000 शेयर खरीदने का राइट मिला, और हमने 60% राइट सब्सक्राइब किया। तो 1000 शेयर का राइट मिला, हमने 60% मतलब 600 शेयर खरीदे, और 400 शेयर खरीदने का राइट ट्रांसफर कर दिया। तो 600 शेयर्स हमने परचेज किए टू बैंक, 600। और जो शेयर्स मिल रहे हैं वो क्या रेट पर मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं हमें 20 रुपीज़ पर शेयर की रेट पर। तो 600 × 20, 12,000। 600 × 20, इट इज़ 12,000।
फिर हमने 12 नवंबर के बाद में डेट आती है 20 दिसंबर, हमने 1500 शेयर बेचे, तो यहां पर हम लिखेंगे 20 दिसंबर 2016 बाई बैंक। हमने कितने शेयर बेचे? हमने बेचे 1500 शेयर बेचे, 22 की रेट पर बेचे, तो 1500 शेयर बेचे और 22 की रेट से बेचे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 22, 33,000, 33,000 में शेयर बेचे। और फिर हमने एक बार और शेयर बेचे, कितने शेयर बेचे? 1 फरवरी को। तो पहले उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो एक ऐसा करते हैं, दो बार बेचे हैं ना, तो पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ही निकाल देते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी कॉस्ट 1500 ओपनिंग में, उसकी कॉस्ट 34,500, 34,500, 1000 फिर हमने और परचेज किए, उसकी कॉस्ट 23,000, 2000 फिर हमें 2000 हमें बोनस में मिल गए जिसकी कॉस्ट 0, और 600 हमने राइट शेयर परचेज किए विच इज 12,000 रुपीज़। तो टोटल हमारे पास शेयर्स कितने हो गए? 1500 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 600, हमारे पास टोटल शेयर्स हो गए 5100। अच्छा, ये जो 1000 शेयर हमने इस बार खरीदे 23,000 में, इस पर हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया 3,000 रुपये, तो इसकी कॉस्ट 23,000 में से 3,000 रुपये माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 20,000 रुपये के। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है वो कॉस्ट में से माइनस हो जाते हैं, तो 34,500 प्लस 20,000 प्लस 12,000, ये हो गए टोटल 66,500 के। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर इक्वल्स टू 66,500 डिवाइडेड बाय 5100, डिवाइडेड बाय 5100, 13.039। ये बोनस शेयर 2000 नहीं 2500 है, तो ये हो गए 5600, 5600 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। 66,500 में अगर हम 5600 का डिवाइड करेंगे तो 11.875 इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर। ठीक है, मतलब एक शेयर की जो कॉस्ट है वो है 11.875। अब हम कितने शेयर बेच रहे हैं हम यहाँ पर? अच्छा, ये क्वेश्चन मई 2018 के एग्जाम में आ चुका है, मई 2018 के अटेम्प्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो हमने कितने शेयर्स बेचे? हमने बेचे 1500 शेयर। क्या रेट पर बेचे? 20 रुपये की रेट पर बेचे, तो मतलब 33,000, 22 रुपये की रेट पर बेचे, 33,000 में बेचे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इस पे प्रॉफिट या लॉस। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, कब सेल किया हमने? 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 2016 को जो हमने शेयर्स बेचे उस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितने में बेचे हमने? सेल वैल्यू हमने बेचे 33,000 में, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है? कितने शेयर्स बेचे? 1500 मल्टीप्लाई बाय 11.875, 1500 मल्टीप्लाई बाय 11.875, हमने उसको बेचा 17813 में, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। तो 33,000 माइनस 17813 हमें 15187 का प्रॉफिट हो गया, 15187। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 दिसंबर 2016 को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 15187। ओके, फिर हमने और शेयर्स बेचे 1 फरवरी को 1024 की रेट से, तो यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी को बेचे, तो 1 फरवरी, 1 फरवरी 2017 बाई बैंक हमने कितने बेचे? 1000 शेयर्स बेचे 24 की रेट से बेचे, तो ये हो गए 24,000, 24,000। अब इसमें भी कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट लॉस। एक शेयर की वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है? 11.875, हम बेचे 24 में, तो फिर से प्रॉफिट ही है।
वर्किंग नोट नंबर थ्री, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल 1 फरवरी 2017। सबसे पहले तो सेल वैल्यू कितने में बेचा हमने ये शेयर्स, 1000 शेयर्स 24,000 में, 24,000 में सेल किए, जबकि उनकी कॉस्ट कितनी होती है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 11.875, इट इज़ 11,875। तो हमें क्या हो गया, फिर से प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, 24,000 माइनस 11,875 हमें प्रॉफिट हो गया 12,125। तो हम फिर से इस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे, 1 फरवरी 2017 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज 12,125। ओके, अब 31 मार्च 2017 को हम डिविडेंड को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टू P&L अकाउंट, और डिविडेंड की इनकम है 4,500 रुपये, वो हमने P&L में ट्रांसफर कर दी। अच्छा, अब मार्केट प्राइस, 31 मार्च 2017 की मार्केट प्राइस के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी है, मतलब वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितने शेयर्स बच गए, 1500 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 600, हमारे पास टोटल 5600 शेयर थे, उसमें से 1500 और 1000 हमने सेल कर दिए, तो बच गए 3100 शेयर, और बैलेंस जो इसकी कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो यहाँ पर ये टोटल डेबिट साइड की टोटल करते हैं इन्वेस्टमेंट की, 34,500 प्लus 23,000 plus 12,000 plus 15187 plus 12,125, टोटल 96,812 minus 3,000 minus 33,000 or minus 24,000, इट इज 36,812। वैसे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 36,812 और कितने शेयर्स हैं, 3100। अगर मैं इसमें 3100 का डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3100, तो एक शेयर की कॉस्ट आ जाएगी 11.875, और हमने ये ही निकाला था 11.875 एक शेयर की कॉस्ट, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, करेक्ट। और अब हम करेंगे सॉल्व इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर को कर देंगे हम दी एंड। लास्ट क्वेश्चन जो है 10th नवंबर 2018 के एग्जाम में आ चुका है, और इसमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है और नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, मतलब दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने। 1 अप्रैल 2017, ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के डेटा है। हमने 1 अप्रैल 2017 को 9000 बॉन्ड्स परचेज किए, 100 रुपये का एक बॉन्ड है, हमने 80.5 कम इंटरेस्ट पे परचेज किया, जिस पर इंटरेस्ट 1 नवंबर और 1 मई को मिलता है। 1 मई को हमें हाफ ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। फिर ये पॉइंट, ये 1 अक्टूबर 2017 को हमने 2250 बॉन्ड 81 की रेट पर, एक्स इंटरेस्ट की रेट पर सेल किए, और उसके बाद में बॉन्ड के बारे में और कोई पॉइंट नहीं है, मतलब 3 पॉइंट है, ये बॉन्ड के बारे में, ये बॉन्ड के बारे में है, ये बॉन्ड के बारे में है, और ये बॉन्ड के बारे में, बस ठीक है। और बाकी के जो पॉइंट है वो इक्विटी शेयर्स के बारे में, 12,000 शेयर्स खरीदे 10 रुपये का एक, उसको 44 की रेट पर खरीदा और ब्रोकर के थ्रू खरीदा, जिसने 2% ब्रोकरेज चार्ज की। फिर हमें, अच्छा ये वाला पॉइंट भी बॉन्ड का है, ये वाला पॉइंट भी बॉन्ड का है जिसमें इंटरेस्ट मिला। फिर 15 जनवरी को राइट शेयर इशू किए, 1 शेयर फॉर एवरी 4, 4 पर 1 बोनस इशू किया, 5 रुपये प्रीमियम पर इशू किया, शेयर हेल्ड एट ₹5 पर शेयर। अच्छा, 5 मून लिमिटेड, निशा लिमिटेड एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर 40%, केवल 5 रुपये में ही खरीदा है, प्रीमियम नहीं है 5 रुपये, 5 रुपये में ही परचेज किया है। निशा एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर 40% ऑफ आवर एंटाइटलमेंट एंड सोल्ड द बैलेंस राइट इन द मार्केट एट ₹2.25 पर शेयर, रिसीव्ड 18% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड, इंटरिम डिविडेंड मिला है एट द रेट 18%। प्रिपेयर सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दिखती बात है सेपरेट ही बनेगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अलग बनेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अलग बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8%, बॉन्ड किसके हैं ये नहीं दे रखा है, चलिए 8% बॉन्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। फर्स्ट अप्रैल 2017, अच्छा इंटरेस्ट की डेट क्या है, इंटरेस्ट की डेट 1 नवंबर और 1 मई है। 9,000 रुपए के, हमने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 9,000 ये रुपीस गलत है, 9,000 बॉन्ड परचेज किए, 8% बॉन्ड ऑफ रुपीस 100 ईच एट रुपीस 80.5 कम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट 1 नवंबर और 1 मई को है ना। तो 1 अप्रैल 2017 को हमने परचेज किए, यहां पर लिखेंगे टू बैंक, 9,000 बॉन्ड परचेज किए हैं, एक की फेस वैल्यू 100, मतलब 9 लाख रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 1 अप्रैल को परचेज किए। इससे पहले इंटरेस्ट कब दिया था कंपनी ने, 1 नवंबर को, 1 नवंबर और 1 मई इंटरेस्ट की डेट है, तो 1 अप्रैल से पहले इंटरेस्ट कब दिया था, 1 नवंबर को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट उस पर वहां तक होता है। तो 9,000 × 100, 9 लाख फेस वैल्यू, 9 लाख फेस वैल्यू का 8% 72,000 पूरे साल भर का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 / 12, टोटल 30,000 रुपीज इंटरेस्ट के होते हैं, 30,000 रुपीज इंटरेस्ट के होते हैं। मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली उसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब उसकी इन्वेस्टमेंट की एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 80.5, इट इज 7,24,500, इट इज कम इंटरेस्ट वैल्यू। अच्छा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो 7,24,500 में से अगर मैं 30,000 इंटरेस्ट का माइनस करूंगा तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू होगी 694,500, और कितने खरीदे, 9,000 बॉन्ड परचेज किए 1 अप्रैल 2017 को। अब 1 मई 2017 को हमें मिलेगा इंटरेस्ट बाय बैंक, 6 मंथ का 9,000, मतलब 9 लाख हो गए, उस पर 8%, और उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट होता है 36,000, हमें इंटरेस्ट के 36,000 मिलेंगे। फिर 1 अक्टूबर को हमने कुछ बॉन्ड बेच दिए, तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017 बाय बैंक, कितने बॉन्ड बेच दिए हमने, 2,250 बॉन्ड बेच दिए, एक्स इंटरेस्ट 81, तो 2,250 मल्टीप्लाई बाय 81, 182,250, और इस पर इंटरेस्ट भी मिला होगा, हमने कब बेचे, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से पहले इंटरेस्ट कब मिला था, 1 मई को, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट 2,250 बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100, 2,25,000, 2,25,000 पे 8% और 5 महीने का इंटरेस्ट होता है 7,500, यहाँ लिखेंगे 7,500। अब देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो 2,250 बॉन्ड हमने 182,250 में बेचे, जबकि 2,250 बॉन्ड की कॉस्ट क्या थी, 9,000 बॉन्ड की कॉस्ट 694,500, 694,500 डिवाइडेड बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2,250, तो 2,250 बॉन्ड की कॉस्ट 173,625 उसकी कॉस्ट, और हम उसको सेल कर रहे हैं 182,250 में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, 182,250 में सेल कर रहे हैं, तो 8,625 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,625 का प्रॉफिट। फिर 1 नवंबर 2017 हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक, जितने बॉन्ड्स हमारे पास बचे हुए 9,000 में से 2,250 हमने बेच दिए, तो 6,750 उसकी फेस वैल्यू होती है 6,75,000, उस पर 8% और 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 27,000 इंटरेस्ट के मिलेंगे।
फिर कोई ट्रांजैक्शन इसके बारे में नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब है 31 मार्च 2018 इस पर एक्रूड इंटरेस्ट होगा, बाई एक्रूड इंटरेस्ट। 1 नवंबर तक का तो इंटरेस्ट मिल चुका है, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा। कितने डिबेंचर पर, कितने बॉन्ड्स पे? 6750, 6750 मल्टीप्लाई बाय 100, 6,75,000, उस पर 8% और 5 महीने का इंटरेस्ट होता है 22,500, 22,500 एक्रूड इंटरेस्ट। और यहाँ पर हम 31 मार्च 2018 को ये जो इंटरेस्ट है ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मार्केट प्राइस बॉन्ड की 31 मार्च को नहीं दे रखी है तो पीछे बैलेंस बच जाएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन 6750। वो जो एडजस्टमेंट करते हैं हम मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का, वो एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगा। पहले तो इंटरेस्ट का अमाउंट P&L में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 36,000 प्लस 7500 प्लस 27,000 प्लस 22,500, इट इज़ 93,000। 93,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 63,000 P&L में ट्रांसफर। फिर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, 694,500 प्लस 8625, इधर की टोटल 703,125। 703,125 में से माइनस करते हैं 182,250, तो बैलेंस बचेगा 520,520,875। ये बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। फिर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, डेट पर्टिकुलर्स, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। सबसे फर्स्ट हमने 1 मई को, 10 जुलाई को 12,000 शेयर खरीदे, तो 10 जुलाई 2017 टू बैंक हमने 12,000 शेयर खरीदे, 12,000 शेयर परचेज किए। क्या रेट पर परचेज किए? 44 रुपीज की रेट पर परचेज किए। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 44, 528, और प्लस करेंगे 2% ब्रोकरेज, इट इज 538,560, 538,560। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 2% ब्रोकरेज, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब इसके बाद में 15 जनवरी को राइट शेयर, तो यहाँ लिखेंगे 15 जनवरी 2018 टू बैंक हमने जो राइट शेयर खरीदे, कितने शेयर का राइट मिला? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4, तो 12,000 हमारे पास है शेयर, 1:4 का रेशियो, तो 3,000 शेयर खरीदने का राइट मिला। और हमने 40% राइट का हमने एंटाइटलमेंट लिया और बाकी का जो राइट था वो हमने बेच दिया, तो बेच दिया उसका तो पैसा P&L में क्रेडिट हो जाएगा, और जो राइट शेयर हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो हमें कितने शेयर्स का राइट मिला? हमें शेयर्स मिला 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 3,000। 3,000 का 40% हमने शेयर खरीद लिया, मतलब 1,200 शेयर, 1,200 शेयर खरीदे 5 रुपये की रेट पर, इंटू 5, 6,000 रुपये में 1,200 शेयर आ गए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में 15 मार्च को इंटरिम डिविडेंड मिला। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही होता है, तो जितने शेयर्स है हमारे उस पर 18% से इंटरिम डिविडेंड मिलेगा और वो डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कब मिला ये, 15 मार्च को, 15 मार्च 2018 बाई बैंक इंटरिम डिविडेंड मिला। कितने शेयर? 12,000 शेयर खरीदे थे, 1,200 और खरीदे, टोटल 13,200। इनकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज पर शेयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, 1,32,000 इनकी फेस वैल्यू हो गई, उस पर 18% इंटरिम डिविडेंड 23760। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है और जितने भी शेयर्स हमारे पास है उन सभी पर हमें इंटरिम डिविडेंड मिलेगा और वो डिविडेंड अकाउंट में पूरा का पूरा, उसमें कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं होता, पूरा का पूरा डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो 23760, ठीक है। फिर हमारे हमने और कोई शेयर्स खरीदे नहीं, शेयर्स की कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब है
31 मार्च 2018, यहाँ पर भी लिखेंगे 31 मार्च 2018, ये जो डिविडेंड है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, विच इज़ 23760, और ये जो हमारे पास शेयर्स बच गए उसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। कितने शेयर्स बच गए? 13,200 शेयर्स बच गए, जिनकी कॉस्ट हो गई 544,560, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, दोनों अलग अलग अकाउंट बनेंगे, एक अकाउंट नहीं बनेगा, राइट? करेक्ट। तो ये हमारा, अच्छा शेयर्स भी अलग अलग होते हैं कि इक्विटी शेयर्स मून लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स स्टार लिमिटेड, तो उसके लिए भी अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ऐसे बॉन्ड भी अगर अलग अलग कंपनी के हैं तो उसके भी अलग अलग अकाउंट बनेंगे, मतलब हर कंपनी के बॉन्ड और शेयर्स का अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है? यहाँ तो चलो अच्छा है कि बॉन्ड एक ही कंपनी के हैं और शेयर्स भी एक ही कंपनी के, तो दो अकाउंट बने, ठीक। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का सोल्यूशन, और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इनकम इन्वेस्टमेंट इन नॉन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।